टीवी की इस जानी मानी एक्ट्रेस की शूटिंग के दौरान अचानक बिगड़ी तबीयत, किडनी हुई फेल, लेकिन इलाज के लिए नहीं है पैसे। जी हाँ, टीवी के पॉपुलर शो मेरे साई में अहम किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अनाया सोनी की किडनी फेल हो गई है। फिलहाल उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस बात की जानकारी अनाया ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। इसके साथ ही उन्होंने फैंस और ऑडियंस से उनके लिए प्रार्थना करने की अपील भी की है। जी हाँ, खबरों की माने तो अनाया मेरे साई शो के सेट पर शूटिंग कर रही थी, तभी अचानक वो बेहोश हो गईं, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अनाया ने अब अपने इंस्टाग्राम पर अपने हेल्थ और मेडिकल कंडीशन के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि क्रिएटिनिन और हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया है और वो डायलिसिस पर चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी हालत गंभीर है और वो जल्द ही किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अप्लाई करेंगे। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, डॉक्टर का कहना है कि मेरी किडनी फेल हो गई है और मुझे डायलिसिस करवाना पड़ेगा। मेरा क्रिएटिनिन 15.76 और हीमोग्लोबिन 6.7 पर आ गया है। हालत गंभीर है। मैं सोमवार को अंधेरी ईस्ट के होली स्पिरिट अस्पताल में भर्ती हूँ। मेरे लिए प्रार्थना करिए आप लोग। इसके आगे अनाया सोनी ने लिखा, मेरे लिए जिंदगी का सफर आसान नहीं रहा है। मैं इसे आसान बनाने की कोशिश कर रही थी, हर वर्तमान पलों को एंजॉय करते हुए, लेकिन ये टाइम आने वाला था, पता था मुझे, लेकिन ये भी बीत जाएगा। जल्द ही किडनी ट्रांसप्लांट करवाऊंगी, डायलिसिस के बाद किडनी के लिए अप्लाई करूंगी। वहीं ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अनाया के पिता ने एक चैनल से बातचीत में बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अनाया का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है। अनाया के पिता इस बात से परेशान हैं कि बेटी की किडनी बदलने और डायलिसिस के लिए पैसे कहां से लाएंगे। बता दें कि अनाया के पोस्ट और उनके पिता की आर्थिक तंगी पर खुलासे के बाद हर कोई अनाया के लिए दुआएं कर रहा है कि वो जल्द से जल्द इस मुश्किल घड़ी से बाहर आए। बता दें कि अनाया कई शो में काम कर चुकी हैं, जिसमें मेरे साई के अलावा इश्क में मर जावां, क्राइम पेट्रोल, अदालत, सावधान इंडिया जैसे बड़े बड़े शो हैं। हालांकि इन सभी शो में वो सपोर्टिंग रोल में ही नजर आए। इस वक्त अनाया काफी नाजुक हालात से गुजर रहे हैं। परिवार उनके साथ तो है, लेकिन पैसों की तंगी के कारण अपनी बेटी के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसे में हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि अनाया की ये मुसीबत जल्द ही दूर हो और वो पूरी तरह से स्वस्थ हों।